खमा गणिसा, शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ पूजा का थाल। उसमें आपको क्या करना है, पहले कोई भी पेंट लेना है, आपको पेंट की शॉप से मिल जाएगा, और ये ऐसा पेंट ब्रश लेना है और पहले सिंगल कोटिंग करनी है। और जब ये पेंट सूख जाए तो सेकेंड टाइम वापस आपको कोटिंग करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो ये अभी डार्क कलर आ जाएगा इसमें। और कटोरियों को भी इसी तरीके से पेंट करना है, और लोटे को भी पेंट करना है आपको। अब आप ग्लू गन ले लीजिए और इस तरीके की कोई भी फिट ले सकते हैं, और डालिए ले लीजिए जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। और मैं जिस तरीके से लगा रही हूँ इस तरीके से आपको डालिए लगाने हैं। अब जो है मैं फिट लगा रही हूँ, और मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो। और आपको तो पता ही है जिस तरीके से शुरुआत में बता रही हूँ, एंड आपको ऐसे ही एंड करना है। और अभी मैं लोटे को भी फिट लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने डालियों का स्वास्तिक बनाया है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैं बना रही हूँ थाल पोश। इसके लिए आपको नेट लेना है और ऐसे सर्कल काटना है, और चारों तरफ फित लगानी है सर्कल में। और क्योंकि सर्कल में आप अगर फित लगाते हैं तब इसके बीच में सल आता है, जैसे मैं फोल्ड दे रही हूँ इस तरीके से आपको फोल्ड देना है। थाल पोश जो है आपको थाल के लिए ज़रूर बनाना चाहिए ताकि वो मक्खियाँ वगैरह ना गिरे। और जो मार्केट में थाल मिलते हैं वो बहुत छोटे मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि घर पे ही बनाया जाए। जो पहले दो थाल है वो छोटे बनाए हैं, और जो तोरण का थाल है वो हमने बड़ा बनाया है। और इस तरीके से देखिए ये सर्कल पूरा हो चुका है, और इसके ऊपर गोटा पत्ती के जो फ्लावर आते हैं, जो मार्केट में 1 रुपये का 1 मिलता है, वो लगाऊंगी मैं चारों तरफ। इससे जो है इसका लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है। अब जो है मैं हल्दी और मेहंदी के लिए थाल रेडी करूंगी। पहले दिन जो जब हल्दी होगी उस दिन इसमें हल्दी के येलो कलर के हम कुशन्स रखेंगे, और जिस दिन मेहंदी होगी उस दिन मेहंदी के कुशन रखेंगे, और हल्दी का बाउल जो होगा वो साइड में रखेंगे। तोरण का थाल हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप भी बना सकते हैं, बहुत ईजी है।